नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564409906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूँ ओम द्विवेदी, स्वागत करता हूँ आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी आपकी जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? बेतवा पर है, रेहंद पर है, सई पर है या रामगंगा पर है? तो आंसर इसका रेहंद नदी में। आप सबसे बड़ी है जो वो कौन सी है? रेहंद परियोजना। तो वो कितने मेगावाट की है? 300 मेगावाट, याद रखना है आपको, रेहंद परियोजना है जो, ठीक। और दूसरी जो सबसे बड़ी है उसका नाम है ओबरा, ठीक, और ये है आपकी 99 मेगावाट की। आंसर हो जाएगा बी। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 30.6 मेगावाट का माता टीला जल विद्युत परियोजना है जो वो बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक, और माता टीला बांध है जो वो ललितपुर में स्थित है, बेतवा नदी ललितपुर में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है जो वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, गौतम बुद्ध नगर या बरेली? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है, और प्रयागराज में भी इफ्को में, इफ्को, ठीक है, आंसर बी। अगला देखें, सौर ऊर्जा से प्रकाशित उत्तर प्रदेश का पहला बस स्टेशन है जो वो कहाँ पर है? प्रयागराज, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या बरेली? तो ये है आपका लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? कैसरबाग, आंसर बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई है? ठीक है, कौन सा? राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, कानपुर में या उन्नाव? उस तरह के क्वेश्चंस पे बड़ा ध्यान देना होता है क्योंकि ये सब वन वगैरह से रिलेटेड है, हमारे दिमाग में हमेशा लखीमपुर खीरी और ये सब आता है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है? सी, कानपुर, ठीक है, 1970 में ये बनी थी, 1970, ठीक, लखीमपुर खीरी पीलीभीत वगैरह नहीं है, इसका आंसर कानपुर है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? क्लीन यूपी ग्रीन यूपी योजना का संचालन राज्य में पौधारोपण के माध्यम से हरियाली क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से किया जा रहा है, ठीक, और इस योजना का संचालन है जो वो 2017 से किया जा रहा है, ठीक, तो ये गलत हो गया, पहला वाला तो सही है, 2015 से चल रहा है, ठीक है, योगी जी के आने से पहले से ही चल रहा है क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी, आंसर हो जाएगा इसका ओनली वन, ए आंसर। अगला देखिए, वन्य जीव परिरक्षण संगठन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी स्थापना देश में, ठीक है, देश में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में, आंसर हो जाएगा ए। कब की गई थी ये भी पूछ सकते हैं, तो 1956 में, ए आंसर। अगला देखें, एलन फॉरेस्ट जू को किस नाम से जाना जाता है? कानपुर जू, उन्नाव जू, आपका लखनऊ जू या लखीमपुर जू? आंसर हो जाएगा कानपुर जू, ए आंसर। अगला देखिए, हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर, ठीक है, हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, इन सब पे बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अंदाज नहीं लगेगा इनमें, ठीक है। देखिए, इटावा में, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या ग्रेटर नोएडा? आपको अगर नहीं पता तो आइडिया नहीं लगा सकते आप, ठीक है, आंसर है इसका इटावा, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक है कि क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र है जो, ठीक है, वहां पर ये है जो हाथियों के लिए रेस्क्यू पुनर्वास हेतु, हाथियों के पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में, ए आंसर। अगला देखें, भालुओं के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? आगरा, मथुरा, हाथरस या अलीगढ़ में? तो आंसर हो जाएगा इसका मथुरा में, बी आंसर। अगला देखिए, लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो, उसको
उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? ठीक, तो पहले तो ये बताइए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कब हुआ? तो नेशनल पार्क तो उसको 1977 ये वाला, ठीक है, 1977 में घोषित कर दिया गया, लेकिन यहाँ टाइगर रिजर्व पूछ रहे हैं, तो टाइगर रिजर्व है 1987 में इसको घोषित किया गया, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? अमनगढ़, जो कि बिजनौर में है, ठीक, और इसको 2012 में जिम कॉर्बेट है जो उसके बफर जंगल के रूप में घोषित किया गया था। कब घोषित किया था? 2012 में। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया और कहां पर घोषित किया गया? 2014 पीलीभीत में, 2015 वाराणसी, 2016 मुरादाबाद या 2017 चंदौसी? तो आंसर है 2014 पीलीभीत में घोषित किया गया, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ब्लैक बक, गभाना क्षेत्र अलीगढ़ में, मेजा कुराव क्षेत्र प्रयागराज में, या कुकरैल क्षेत्र है आपका लखनऊ में, कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा इसका गभाना क्षेत्र और मेजा कुराव क्षेत्र, आंसर 1 और 2 ए, ठीक, ये वाला नहीं है, ठीक, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, लखनऊ में स्थित कुकरैल है जो, इसको 2016 में घड़ियाल पुनर्वास केंद्र के रूप में घोषित किया गया, ठीक, सही है, और यह एक जैव विविधता विरासत स्थल है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट भी है एक, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जगह को जैन लोगों की काशी भी कहा जाता है? संडीला, हस्तिनापुर, गणेश बाग या बिजनौर? तो आंसर इसका हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? ये मेरठ में पड़ता है, ठीक है, मेरठ में, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य क्या है? पौधारोपण एवं वृक्षों के संरक्षण के माध्यम से वन क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक, सही है, और ये योजना है जो ये 2001 में राज्य में एक से जो है वो राज्य में संचालित है, उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक, तो दोनों आंसर सही है इसके, सी आंसर। देखिए, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रदेश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है? ठीक है, तो ये बताना है कि किस जिले में किया है, सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में, महाराजगंज में या गोरखपुर में? तो आंसर है महाराजगंज, महाराजगंज की फिरेंदा तहसील, ठीक है, फिरेंदा तहसील में, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय वन की योजना है जो उसकी शुरुआत हुई? चौथी में, पांचवी में, छठी में या सातवीं में? तो ये शुरू हुई थी पांचवी में, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वनकी के अंतर्गत आते हैं? कृषि वनकी इसके अंतर्गत आता है, सामुदायिक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री भी इसके अंतर्गत आती है, और अर्बन फॉरेस्ट्री या नगरी या वनकी भी इसके अंतर्गत आती है, तो डी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के धार्मिक उपवन में से कौन सही सुमेलित है? बेरिया समाया आपका बहराइच में है, ठीक, और झली धाम है जो आपका गोंडा में है, और देवी पाटन है जो ये बलरामपुर में, ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज का नाम किस वर्ष उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया था? ठीक है, 1952 में, 1962 में, 1972 या 1982 में? अंडर द फॉरेस्ट ट्रांसपोर्ट एक्ट 1950 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज वॉज रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन UPRTC, ठीक है, कब किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा 1972, सी आंसर। अगला देखिए, भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो पहला है उसका स्थान और दूसरा आपका राजस्थान है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? 44, ये गलत हो गया, NH2 है, ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे 44 और आपका 27, ये उत्तर प्रदेश में झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये बताया है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इन लोगों का जो मीटिंग पॉइंट है ये है आपका झांसी, ठीक, आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ताज एक्सप्रेसवे आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है, ठीक है, और यह भारत के सबसे लंबे 6 लेन नियंत्रित
एक्सिस एक्सप्रेसवे में से एक है। ठीक है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा निजी हवाई अड्डा किस जिले में विकसित किया गया? गोरखपुर में, सोनभद्र में, अयोध्या में या ललितपुर में? तो आंसर हो जाएगा इसका सोनभद्र में। ठीक है, कौन सा है? म्योरपुर, म्योरपुर। ठीक है, आंसर बी। अगला देखिए, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या कानपुर में? तो ये बनाया गया है आपका वाराणसी में। वाराणसी में भी राल्हूपुर, ठीक है, राल्हूपुर में, सी आंसर। अगला देखें, देश के कुल 18 रेल जोन्स में से कितनों का विस्तार है जो उत्तर प्रदेश में है? 4, 5, 6 या 7? तो आंसर इसका 5 का विस्तार उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं 5? एक तो देखिए नॉर्दर्न रेलवे हो गया, एक नॉर्थ ईस्ट रेलवे हो गया, एक आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हो गया, एक सेंट्रल रेलवे हो गया और एक ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हो गया। ठीक है, तो 5 है यहाँ पर, बी आंसर। अगला देखें, भारतीय रेल का सबसे बड़ा यार्ड उत्तर प्रदेश में किस जिले में पूछ रहे हैं? ठीक है, चंदौली, गोरखपुर, प्रयागराज या अमेठी? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, चंदौली। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसको पहले हम मुगल सराय के नाम से जानते थे। ठीक है, आंसर ए। अगला देखिए, एशिया में भारत का सबसे लंबा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपका प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली या लखनऊ? ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये आंसर हो जाएगा बी, जिसको हम मडुआ डीह के नाम से जानते हैं। मडुआ डीह ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी का ये एक स्टेशन। ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, रेलवे में भर्ती हेतु भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश में कौन से हैं? प्रयागराज है और गोरखपुर है, वाराणसी नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे में कौन सा ही सम्मिलित है? चाकेरी आपका कानपुर में है, खेरिया है जो वो आगरा में है, और सरसावा है जो ये आपका सहारनपुर में है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, भारत अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ या आपका नोएडा में? तो इसका हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा नोएडा में। अगला देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 2, 3, 4 या 5? कितने राज्यों से गुजरता है? सी, 4 में से होकर के गुजरता है। कौन कौन से हैं? एक है आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा आपका यूपी, तीसरा आपका झारखंड और चौथा बिहार। ठीक है, आंसर 4। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ठीक है, और हल्दिया प्रयागराज गंगा जलमार्ग को 1986, ये याद रखना है, 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार हैं स्वामी हरिदास, उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? वृंदावन में, हरिदासपुर में, राजापुर या सोरो में? तो नाम से ही पता चल रहा है आपका हरिदासपुर में। हरिदासपुर है कहाँ पर? यह है आपका अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में, आंसर बी। ठीक है, वृंदावन कहाँ है? मथुरा में। और राजापुर कहाँ है? और ये आपका चित्रकूट में पड़ता है, और सोरो है जो वो कासगंज में पड़ता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था? ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? मियां गुलाम नबी शौरी, अमीर खुसरो या वाजिद अली शाह या हुसैन सरकी? आंसर हो जाएगा मियां गुलाम नबी शौरी ने, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से घराने सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, अजराड़ा घराना, आपका शाहजहांपुर घराना, गौरीपुर घराना। ठीक है, तो देखिए शाहजहां और गौरीपुर, गौरीपुर कौन सा है? गौरीपुर है इटावा वाला। ठीक है, ये दोनों तो हो गए सरोद वादन के लिए, लेकिन अजराड़ा घराना है तो ये तबला वादन के लिए फेमस है, तबला। आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन लखनऊ घराने में के तबला वादक हैं? मोदू खान, मुन्ने खान या हीरेंद्र गांगुली? तो ये तीनों ही हैं जो याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल वाला पोर्शन है जिसमें कि याद नहीं रहते नाम, तो जितने कवर किए गए हैं एटलीस्ट उतने याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ घराने के तबला वादक कौन से? मोदू खान, मुन्ने खान और हीरेंद्र गांगुली। ठीक, आंसर हो जाएगा डी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पंडित मदन मोहन है जो ये पखावज वादक हैं, पंडित सखाराम सारंगी बजाते हैं, और रघुनाथ सेठ हैं जो ये बांसुरी वादक हैं। ठीक, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ठुमरी गायिका बनारस घराने की है? गिरजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी और कृष्णा देवी। ठीक है, तो तीनों ही है जो ये बनारस घराने की है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन लखनऊ घराने की ख्याल गायिकाएं हैं? चंद्राबाई, बेगम अख्तर और रहीसन बाई। ठीक है, इसमें देखिए आपकी जो ये बेगम अख्तर है, ठीक है, ये शास्त्रीय गायिका है, ठीक, क्लासिकल सिंगर है ये, ठीक है, ये ख्याल नहीं गाती है, लखनऊ घराने की ख्याल गायिका नहीं है, चंद्राबाई और रहीसन बाई हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया? अब्दुल करीम खान, स्वामी वल्लभदास, राम भाऊ कुंडा गोलकर या उदय शंकर? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल करीम खान, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन किराना घराने से संबंधित है? गंगूबाई हंगल, कपिलेश्वरी या चंद्राबाई? तो इन तीनों नाम में से आपको जो है ये चंद्राबाई को याद ध्यान रखना है कि चंद्राबाई हैं जो ये लखनऊ घराने से हैं। ठीक है, यहाँ किराना घराना पूछा है, ठीक, तो ये गलत हो गया, 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने के कथक नृतक हैं, सॉरी डांसर हैं, ठीक है, नृतक हैं? पंडित शिवनंदन मिश्र, जयकरण मिश्र या हरिशंकर मिश्र? तो आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही हैं, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पूर्वांचल क्षेत्र के लोक गीत कौन से हैं? आल्हा, झूमर और झूला। तो आल्हा आपको पता है कि बुंदेलखंड वाला है, ठीक है, आल्हा बुंदेल की कहानियां बुंदेलखंड के महोबा के आसपास गाई जाती हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3, यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अवध का है? नौवा, झाखड़, सुराही नृत्य या झूला नृत्य? ठीक है, तो झूला नृत्य आपको पता है कि ये ब्रज का है, ठीक, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 1 और 2 आंसर, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? देखिए, राई नृत्य है ये कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए, यह नृत्य कुम्हार जाति द्वारा जन्माष्टमी पर किया जाता है, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया, जन्माष्टमी पर तो किया जाता है लेकिन महिलाओं के द्वारा, ना कि कुम्हार जाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये गलत हो गया, पहला सही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या चित्रकूट विश्वविद्यालय? आंसर हो जाएगा ए। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये भी याद रखिए, 1916। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर या गौतम बुद्ध नगर में? तो सबसे ज्यादा आपके लखनऊ में है, ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।